हाय हेलो सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हैवी हेयर ऑयलिंग के बारे में है, तो इसके लिए आज की वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर निहार शांति हेयर ऑयल लिया है। ये 200 ml की बॉटल है और हाफ़ बॉटल से भी ज़्यादा मैंने हेयर ऑयल लिया है। ये देखिए, मैंने कटोरी में सारा हेयर ऑयल डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी जेठानी के बेटे जशन के हेयर्स पे ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, उसके हेयर काफ़ी लॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, अब ये हेयर ऑयल मुझे थोड़ा थोड़ा करके उसके सारे बालों पे अप्लाई करना है। एक साथ मुझे सारा ऑयल नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्कैल्प पे डालना है और उसी ऑयल को लेंथ तक लेके जाना है। फिंगर की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छी तरह से बालों के बीच बीच में ऑयल अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, हमें वीक में 2 बार हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए और 2 बार हमें हेयर ऑयलिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम हेयर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो हमारे बाल वीक बनेंगे, हमारे बाल वीक हो जाएंगे, कमज़ोर होंगे, झड़ने लग जाएंगे। इसीलिए हमें वीक में 2 बार हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैंने उसके सारे बालों को कवर करके, ये देखिए, एक कवर कर लिया बालों को और ऊपर से हेयर ऑयल को लगाना है ताकि लेंथ पे अच्छी तरह से सारा हेयर ऑयल लगे, बाल जो बाल हैं वो सारा तेल ऑब्जर्व कर ले। अच्छी तरह से पूरी लेंथ पे ऑयल लगाया है।
तो फ्रेंड्स हेयर ऑयल मैंने उसके बालों पे अप्लाई कर दिया है और कॉम्बिंग भी कर दी है। अब मुझे उसे पटका बांधना है। फ्रेंड्स अगर पटके की आप कोई अलग से वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को पटका कैसे बांधती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं एक अलग से वीडियो बना सकूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने उसका पटका बांधा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।